वेलकम बैक। सीधा ज आपने लईने જઈશું સભાસ્થળ ખાતે, જ્યાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પણ પહોંચી ગયા છે। અટલ ટનલ નું તેમણે ઉદ્ઘાટન કર્યું છે, દેશને સમર્પિત કરી છે। હો જાયેગા હર સપના સાકાર, તુમ ચલો તો સહી, તુમ ચલો તો સહી। કવિ શ્રી નરેન્દ્ર વર્મા કી યહ પંક્તિયાં અટલ ટનલ નિર્માણ કાર્ય કો સહી રૂપ સે ઉજાગર કરતી હૈ। આપ સભી કા ઇસ ઐતિહાસિક ક્ષણ મે તહે દિલ સે અભિનંદન કરતા હું। આજ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી જી કે કર કમલો દ્વારા विश्व की 10,000 फीट से ऊपर अब तक की सबसे लंबी टनल, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, देश के नाम समर्पित हुई है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। अटल टनल रोहतांग को आज राष्ट्र को समर्पित करने के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही इस शुभ अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस श्री अनुराग ठाकुर, माननीय सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा, जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल मनोज नरावने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वेस्टर्न एंड नदर्न आर्मी कमांडर्स, अन्य गणमान्य अतिथिगण, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे पूरी आशा है कि अटल टनल रोहतांग देश के लिए सबसे प्रसिद्ध टेक्निकल अचीवमेंट में से एक होगी। इसके निर्माण से आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हिमालय क्षेत्र में अन्य टनल्स के निर्माण कार्य को बल मिलेगा। अब बीआरओ का फोकस शिंकुला टनल पर है। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि बीआरओ इस टनल को अगले 3 वर्ष में पूरा कर सकता है, जिससे कि लेह के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी हासिल हो जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ की कार्य करने की जो कैपेसिटी है उसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप बॉर्डर्स के समीप डिफिकल्ट टेरेन्स में कनेक्टिविटी स्थापित कर पाने में हम सक्षम हुए हैं। यदि हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पिछले 2 वर्ष में बीआरओ ने 75% अधिक कार्य को अंजाम दिया है। बीआरओ के द्वारा पिछले 2 वर्ष में दारचा पदम ले रोड, मानसरोवर यात्रा और आदि कैलाश पर्वत के रास्तों पर कनेक्टिविटी हासिल की है। अटल टनल का ये सफर बहुत ही चुनौतीपूर्ण, संघर्षपूर्ण और रोमांचक रहा है। काफ़ी कठिनाइयां इस प्रोजेक्ट के सामने आई, फिर भी हमने अपने हौसले बुलंद रखे। मैं अटल टनल रोहतांग के निर्माण में शामिल एफकॉन्स, स्ट्रॉबैक, स्मैक, D2, ICT, PEMS एंड गर्ग एसोसिएट्स का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस टनल को ये रूप देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से बीआरओ को बढ़ चढ़ कर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और भविष्य में बीआरओ राष्ट्र निर्माण कार्यों में भी सक्षम होगा। धन्यवाद एंड जय हिंद। इस टनल निर्माण कार्य में कई चैलेंजेस और मुश्किलें आई, पर उन्हें बीआरओ ने अपने दृढ़ निश्चय से पार किया है। अब मैं आपका ध्यान स्क्रीन पर आकर्षित करना चाहूँगा, जहाँ एक छोटी मूवी द्वारा इन चैलेंजेस को प्रदर्शित किया गया है। रोहतांग पास को बाईपास करने के लिए मनाली लेह हाईवे पर टनल के निर्माण का स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट को उच्चतम प्राथमिकता देने से साकार हो पाया है। 5-6 महीना हमारा कट ऑफ रहता सर्दियों में। टनल का निर्माण दिवंगत प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों द्वारा 2002 में अप्रोच रोड के शिलान्यास के साथ आरंभ हुआ था। कई बार मनाली आने का मौका मिला
रोहतांग की तक की यात्रा की, लेकिन बाद में बर्फ का पहाड़ आकर खड़ा हो गया, रास्ता बंद, आना जाना ठप। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मनाली से लेह तक ऐसा रास्ता होना चाहिए जो 12 महीने उपलब्ध हो। टनल के कार्य में 587 मीटर लंबे सेरी नाले के रूप में एक कठिन समस्या सामने आई। इसमें 8000 लीटर प्रति मिनट के बहाव से पानी ने टनल के कार्य में बाधा डाली। ये समस्या अपने आप में विश्व की एक अनूठी चुनौती साबित हुई, जिसको नवीनतम टेक्नोलॉजी और आधुनिक उपकरणों से दूर किया गया। समय पर कार्य पूरा करने के लिए 3000 श्रमिक तथा बीआरओ के 650 कर्मियों ने एकजुट होकर 3 शिफ्टों में कार्य किया। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। 9 किलोमीटर लंबी 10.5 मीटर चौड़ी बाईलेन टनल में नवीनतम सेफ्टी एवं सिक्योरिटी उपकरण लगाए गए हैं। टनल में हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा, 150 मीटर पर टेलीफोन, 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट, हर किलोमीटर पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ऑटोमेटेड लाइटिंग, वेंटिलेशन और फायर फाइटिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सभी उपकरण सेंट्रल कंट्रोल रूम से स्काडा द्वारा संचालित किए जाते हैं। टनल के नीचे विशेष रूप से किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को सही सलामत निकालने के लिए एग्रेस टनल का प्रावधान किया गया है। स्थानीय लोगों के लिए जहां ये नई जीवन रेखा आम जनता की यात्रा आसान करेगी, वहीं सशस्त्र बलों को भी इससे दूर दराज सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचना सहज होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप ये टनल सामरिक मजबूती एवं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता की मुस्कान सहज ही देखी जा सकती है। अटल टनल रोहतांग को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। अटल टनल लाहौल स्पीति के लोगों के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगी और पूरे वर्ष देश के बाकी हिस्सों से इन इलाकों से जोड़ेगी। इसके साथ ही आधारभूत विकास, पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी विकास होगा, उसका पूरा पूरा लाभ अब इस क्षेत्र के लोगों को भी मिल सकेगा। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से अनुरोध करता हूँ कि वह मंच पर पधारें और इस संबंध में अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। माननीय मुख्यमंत्री। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर जब एक सपना प्रदेश का साकार हुआ, और मैं समझता हूँ ये सपना प्रदेश का ही नहीं देश का सपना जो साकार हुआ, इस अवसर पर हमारे बीच में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आज के इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद जी, हमारे बीच में माननीय सांसद मंडी लोकसभा क्षेत्र श्री रामस्वरूप शर्मा जी, माननीय मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी, विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, बीआरओ के हमारे महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी, यहाँ हमारे बीच में रक्षा सचिव के अतिरिक्त सभी
सेना के उच्च अधिकारी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, हमारे लिए सौभाग्य है कि एक सपना जो आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, मनाली उनका बार बार आना होता था और बार बार आने के बाद लाहौल जाने की इच्छा होती थी, लेकिन बीच में रोहतांग का दर्रा एक बाधा के रूप में रहता था। मौसम खराब हुआ तो आना बंद, जाना बंद, और ऐसी परिस्थिति में ये कल्पना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, बात आगे बढ़ने लगी। और जिस प्रकार से अभी आपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से आदरणीय अटल जी के बात को सुना, उसको मूर्त रूप देने के लिए कदम आगे बढ़ा। और आज हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आगमन पर इस टनल का उद्घाटन हुआ। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं, और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, मैं समझता हूं कोविड के चलते बहुत कठिनाइयों के इस दौर में से भी आप वर्चुअली नहीं एक्चुअली हमारे बीच में आकर के उपस्थित हुए, हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप भी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हुए, आप पिछले कल से एक एक चीज़ को बारीकी से देखने के लिए यहां पर पहुंचे, और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में सेना के मनोबल को और हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए पहुँचे, आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं, देवभूमि हिमाचल प्रदेश, ये देवभूमि ही नहीं मैं समझता हूँ, ये वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। कभी भी देश के सामने कोई भी चुनौती आई, ऐसी परिस्थिति में हिमाचल भले ही प्रदेश छोटा, लेकिन हिमाचल का योगदान उसमें हमेशा अपने आकार से बहुत ज़्यादा रहा है। कारगिल का युद्ध हुआ, अगर उसमें 4 परमवीर चक्कर अगर पूरे देश को मिले, उसमें से 2 परमवीर चक्कर हिमाचल प्रदेश के उन वीर सपूतों को मिले, और उस किसी भी योगदान में हिमाचल पीछे नहीं रहा। और आज ये टनल जब बन करके तैयार हो रही है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बाधा लाहौल के लोगों के लिए रहती थी, 4 महीने के लिए आना जाना बंद हो जाता था, कोई बीमार हो जाता था, हमें कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर भेजो, और हेलीकॉप्टर भी अगर हम भेजते तो परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती कि रोहतांग दर्रे से वापस मुड़ना पड़ता था, मौसम खराब होता था, हवाएं बहुत तेज चलती हैं, ऐसी परिस्थिति में बहुत कठिनाई के दौर में से जब लाहौल के लोगों को गुजरना पड़ता था, वो भी बहुत सरल हो गया। इस टनल का बहुत बड़ा योगदान पर्यटन की दृष्टि से भी रहेगा। पर्यटन के लिए हमने टनल टूरिज्म को आपस में जोड़ने का एक कार्यक्रम बनाया है, वृहद कार्यक्रम बनाया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जब भी हम दिल्ली आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब हमारा किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी मुलाकात में जब बातें होती थी, टनल के जिक्र के बिना कोई बात, इस टनल के जिक्र के बिना कोई भी मुलाकात पूरी नहीं हुई। हमेशा आप कहते थे टनल का कितना काम हुआ, कितना काम बाकी रहता है, कब तक बन करके तैयार होगी, इन सारी बातों को लेकर के टनल के साथ टूरिज्म को जोड़ना, ये सारी बातें आपने मार्गदर्शन के रूप में हमको दी। हमने सर इसको जो साउथ पोर्टल है यहाँ पर भी टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए प्लान किया है, उसको हम आपसे एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद जो साउथ पोर्टल के बाद जो हमारा नॉर्थ पोर्टल है जो लाहौल में पड़ता है, तो उसको भी हमने टूरिज्म के साथ जोड़ने के लिए प्लान किया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ ये टनल जो है आगे लेह लद्दाख के लिए, जिस प्रकार से जिक्र हमसे पहले यहाँ पर हरपाल सिंह जी ने किया,
तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक रास्ता आने वाले समय में, चाहे कारगिल जाने की बात है, चाहे ले जाने की बात है, चाहे हमारा पांगी का इलाका, ट्राइबल का इलाका, वहाँ जाने की बात है, आने की बात है, इस टनल के माध्यम से बहुत बड़ी एक सुविधा हुई है। मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत लंबी बात नहीं कहता हूँ, सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूँ, ये टनल 10,040 फीट की हाइट पर बनने के पश्चात हिमाचल, इस छोटे से प्रदेश को आपने राष्ट्रीय नहीं पूरे विश्व में एक अलग पहचान दी है। विश्व में इसलिए क्योंकि इस ऊंचाई पर दूसरी टनल इतनी लंबी कोई नहीं है, 9.02 किलोमीटर की है। और जिस प्रकार से बीआरओ की ओर से यहाँ पर बताया गया कि परिस्थितियाँ बहुत कठिन थी, जटिल थी, एक दौर बीच में ऐसा भी आया कि क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए तो कैसे बढ़ा जाए, शेरी नाला एक बहुत बड़ी बाधा, और उस बाधा के माध्यम से एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई जिसके कारण आगे चलना भी मुश्किल, पीछे हटना भी मुश्किल हो गया था। 600 मीटर का वो, सिर्फ 600 मीटर का, और लगभग 4 वर्ष उस दौर में लग गए, उसको पार करने में लग गए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। इसलिए मैं बीआरओ की सारी टीम को, सभी अधिकारियों को, सभी इंजीनियर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनने हौसला नहीं छोड़ा, और जिस प्रकार से बेहतरीन, मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक मिसाल जो है यहाँ पर जो प्रस्तुत की, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आप यहाँ आए, हम सबका बहुत हौसला बढ़ा, हिमाचल आपके दिल के बहुत करीब है, आप हमेशा हिमाचल को अपने घर की तरह मानते हैं, अटल जी भी कहते थे और आप भी उसी प्रकार से अपनी भावनाओं को हमारे साथ जोड़े हुए हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आपने हिमाचल का कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं छोड़ा है, जहां लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में किसी न किसी कार्यक्रम में आप प्रस्तुत हुए हैं, आप आए हैं, मिले हैं, लोगों से बातचीत किए हैं, सभाओं को संबोधित किया है, आप भी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हम सबको हौसला देने के लिए, हम सबको शुभकामनाएं, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, आपका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। लेह लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से वर्ष भर जोड़े रखने में हमने एक और कदम आगे बढ़ाया है। टनल निर्माण से सेना की मूवमेंट, रसद एवं बाकी साजो सामान की बहाली और सुगम हो जाएगी। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे सभा को संबोधित करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर, भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री अनुराग जी ठाकुर और यहाँ के सांसद श्री रामस्वरूप जी शर्मा और हिमाचल सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरावने, डिफेंस सेक्रेटरी श्री अजय कुमार, नॉर्दर्न और सदर्न कमांड के। तो टनल ने टूंक समय में प्रधानमंत्री पर संबोधन करशे, हाल एक विराम माटे रोकाई रहा है, तुरंत परत फरीशू।